बीजेपी की योगी सरकार की पहल पर गुजरात राज्य के सूरत शहर से 1230 मजदूरों को लेकर आज सुबह 7 बजे बांदा स्टेशन पहुंची। स्टेशन पहुंचते ही मजदूरों में मोदी सरकार जिंदाबाद के नारों से पूरा स्टेशन परिसर गूंजने लगा। आपको बताते चले, पूरे देश और प्रदेश में वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन में बांदा जनपद के हजारों मजदूर प्रदेश के कई राज्यों में फंसे थे, जिस वजह वो मजदूर अपने गृह जनपद नहीं आ पा रहे थे। यहां तक कि कई हजार मजदूर पैदल ही अपने घर के लिए निकल पड़े और कई सौ किलोमीटर की पैदल यात्रा करके अपने घर भी पहुँचे हैं। तभी प्रदेश की योगी सरकार ने मामले को संज्ञान में लेकर केंद्र सरकार से अनुरोध किया, तब जाकर प्रदेश में कई राज्यों से सैकड़ों मजदूरों को लेकर श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेनें उनके गंतव्य स्थान पर भेजा गया। उसी के परिप्रेक्ष्य में कल दोपहर 2 बजे 1230 मजदूरों को लेकर गुजरात के सूरत शहर से बांदा के लिए रवाना हुई और आज सुबह 7 बजे श्रमिक एक्सप्रेस बांदा स्टेशन पहुंची। ट्रेन पहुंचते ही पुलिस विभाग और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी बारी बारी से श्रमिकों का थर्मल स्क्रीनिंग करके सभी मजदूरों को बस द्वारा उनके गंतव्य स्थान तक भेजने की जिम्मेदारी परिवहन विभाग के अधिकारियों पर सौंपी गई है। कहां से आ रही हैं? गुजरात से। जा कहां रही हैं? बबेरू जाना है। वहाँ से आई हैं, आपने टिकट लिया है? हाँ, कितने का टिकट दिया है? वहाँ पे 600 का टिकट दिया है। अच्छा, सरकार तो बोल रही है हमें टिकट नहीं देना है, पैसे नहीं देना है, फिर भी आप लोग टिकट लिए? वहाँ पे वो जहाँ पे टिकट काट के दिए वो लोग बोले कि पहले 800 रुपए लिए थे, फिर 200 रुपए वापस करके 600 रुपए लिए और 200 वापस। कहीं पे खाना आना मिला? हाँ, गाड़ी में एक बार खाना सुबह मिला था और शाम को मिला। धन्यवाद। सूरत शहर से ट्रेन आई है, कितने मजदूर बांदा स्टेशन पर उतरे हैं? देखिए, जो वहाँ से है उसके हिसाब से 1220 लोग, जिनमें बांदा जनपद बांदा के करीब 975 लोग हैं और बाकी हमीरपुर, चित्रकूट, फतेहपुर, भाई। इनको किस तरह क्वारंटाइन कराया जाएगा? शासनादेश के अनुसार इनको अभी हम जनपद बांदा के जो हैं अपने अपने आश्रय स्थलों में ले जा रहे हैं, वहाँ पर इनका नाम पता वगैरह फिर एक बार हम लोग डिटेल नोट करेंगे और अगर उनमें किसी को हाई टेम्परेचर, खांसी या इस तरह का अगर कोई लक्षण है तो उसको हम आश्रय जो क्वारंटाइन सेंटर में रख करके उनका देखभाल करेंगे, दवाएँ करेंगे और अगर वो बढ़ता है तत्पश्चात उसको हम कोविड हॉस्पिटल में भर्ती करा कर उनकी काउंसलिंग कराएँगे।